देती है और दूसरी तरफ कहती है राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, यानी हमारे सनातन को भी गाली दे रहे हैं, हम तो हमें गाली दे रहे हैं, हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जो हमारे अस्तित्व पर खड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा हो, क्या हमें उसे समर्थन करना चाहिए क्या? क्या हमें माफियाओं को समर्थन करना चाहिए क्या? जो हमारे प्रभु को गाली देते हो, क्या हमें उन्हें समर्थन करना चाहिए क्या? और देखिए, मोदी तो नाम है समाधान का। मोदी जी ने जो बोला सो करके दिखा दिया। 500 वर्षों की समस्या थी अयोध्या में, आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है ना, अयोध्या में आज मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है? अच्छा, डोगरपुर से कितने लोग वहां जाना चाहते हैं? अयोध्या पूरा डोगरपुर ही जाना चाहता है। आप सबका अभिनंदन है अयोध्या में। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे 500 वर्षों के बाद। याद करिए, हमारे पूर्वजों का कई कई पीढ़ियां चली गई राम मंदिर के लिए लड़ते लड़ते, लाखों लोग शहीद हो गए। आज राम मंदिर का निर्माण होने जा हो करके अब भगवान राम विराजमान भी होंगे 22 जनवरी को। और भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी की इच्छा है कि प्रभु राम के मंदिर में मैं भी दर्शन करूं, और क्यों नहीं हो? राम हमारे हमारे पूर्वज हैं, हम तो उस विरासत के हैं। जैसे हम लोग आते हैं यहां, डोगरपुर हो, उदयपुर हो, चित्तौड़गढ़ हो, हर व्यक्ति मानता है कि हमारे तीर्थ हैं, आधुनिक तीर्थ हैं, क्योंकि देश के लिए त्याग और बलिदान के लिए एक अमिट छाप इस धरती ने छोड़ी है। और भाइयों बहनों, ऐसे ही देश के अंदर धर्म और न्याय की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, राम राज्य की अवधारणा को देने के लिए प्रभु राम के प्रति हम सबका एक स्वाभाविक सम्मान और श्रद्धा का भाव है, और उसी श्रद्धा को व्यक्त करने का एक अवसर हर भारतवासी को प्राप्त होगा। और इस अवसर पर इसीलिए मैं आप सबका कहने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये काम नहीं होता। डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी और मोदी जी का नेतृत्व है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या का दीपोत्सव भी आपने देखा होगा,